हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट को ट्रैक करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप सभी कमांड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से यानी ऑटोकैड से रिलेटेड सभी ड्राइंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। विथ कमांड के नाम के साथ आपको बताया जाएगा। तो चलिए, आज इस ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रा करेंगे हम आज इसमें सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन दिखा देते हैं। इसकी जो टोटल डायमेंशन है 183 है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारी डायमेंशन इस प्रकार दी हुई। तो चलिए, हम इसको ड्रा करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लाइन कमांड लेना होगा। जहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लाइन कमांड है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से नीचे से एक लाइन दे देते हैं। टोटल जो लाइन हमारी है 183 की है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आपका अर्थवान होना चाहिए, वरना आपकी लाइन इधर उधर जाने वाली है। तो दोस्तों, आपको अर्थवान कर लेना। अर्थवान करने के बाद इसकी जो डिस्टेंस है 183 दे देनी है कीबोर्ड से। तो मैंने 180 की ये डिस्टेंस दे दी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं इस ड्राइंग की जो डायमेंशंस है नीचे वाली वो दी हुई है 24। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन कमांड लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको ट्रैक करके कर लेना है 12 पे। टोटल डिस्टेंस इसकी जो है 24 दी है। तो जिसको ट्रैक करके हम 12 करेंगे तो हमारी लाइन कहीं इधर कहीं दिखेगी। उसके बाद हमें क्या करने का, हमारा यहाँ ट्रैक हो गया। उसके बाद हमें टोटल 24 डिस्टेंस की जो है लाइन दे देनी है। तो 24 डिस्टेंस की हमने लाइन दे दी। उसके बाद फिर से आप इंटर प्रेस करेंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर से आपको इंटर प्रेस करना, लाइन कमांड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, फिर से यहाँ से जो ट्रैक करके, यहाँ से आपको जो डिस्टेंस दी हुई है वो टोटल इसमें 5 का ऑफसेट ले सकते हैं। तो यहाँ से वो इंटर करेंगे, 5 डिस्टेंस देंगे ऑफसेट का। उसके बाद इस कमांड का जो है आपका ऑफसेट ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। हमें ये पॉइंट मिल गया है। पॉइंट मिलने के बाद अब आपकी जो ये टोटल डिस्टेंस है वो 36 देना है, 36 देनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एल एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो आपकी देनी है वो 36 यानी 18 देनी है इधर। तो आपको 18 देने के बाद फिर से इंटर प्रेस करना और कमांड से आप बाहर आ जाएंगे। इधर की जो हमने लगाया था उसको हमने डिलीट मार दिया है। उसके बाद आपको MI इंटर प्रेस करके मिरर कर लेना है। MI इंटर प्रेस करके मिरर कर लेना है, या आपका मिरर कमांड यहाँ ऊपर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप मिरर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इंटर प्रेस करेंगे। अब इसका पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट, आप कहाँ से मिरर करना चाहते हो। तो दोस्तों, हमको यहाँ से मिरर करना है। उसके बाद हमें इसके हॉरिजॉन्टल जो है डिस्टेंस दे देनी है। उसके बाद यहाँ देखिए पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, क्या आप सोर्स ऑब्जेक्ट का जो मिरर करना चाहते हैं उसको डिलीट करना चाहते हैं या इरेज करना चाहते हैं। यदि करना चाहते हैं तो यस, यदि नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, हमें नहीं करना है इसलिए हम नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से इसकी डायमेंशन जो दी हुई है थर्ड वाले की, हमें यहाँ से इसकी डायमेंशन दी हुई है, हम देख लेते हैं। यहाँ से इसकी डायमेंशन जो टोटल दी हुई है वो 43 दी हुई है। यानी हमको 5 ऑब्जेक्ट फिर से जानना है। वो इंटर प्रेस करेंगे और जिससे ऑब्जेक्ट कमांड होता है वो इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद 5 डिस्टेंस देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको इसको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, टोटल 5 पिप जो है आपको यहाँ से ऑफसेट कर लेना। उसके बाद हमें कितनी 43 की डायमेंशन चाहिए, तो हमारा हो जाएगा 21.5। तब यल इंटर प्रेस करेंगे हम। यहाँ से यल इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से हम देंगे डिस्टेंस, सॉरी ट्रैक कर लेते हैं। उसके बाद टोटल डिस्टेंस दे देंगे। यहाँ से हमें क्या करना है कि 21.5 देना, 21.5 इंटर प्रेस किया। उसके बाद हमें इस पॉइंट की जो लोकेशन है मिल गई। अब हमें इस साइड ड्रा करना है 43, तो हम इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए हमारी डायमेंशन जो है पूरी ड्रा हो गई। अब क्या करना है, आपको यहाँ से लाइन कमांड लेने के बाद इन सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ से मिला लेना है। यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, इसके बाद यहाँ से इसको मिला देना है, इस तरह से कुछ मिला देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले मिरर कर लेते हैं हम। ज़्यादा टाइम नहीं आपका
बर्बाद करने वाले हैं, तो हम इसको यहाँ इंटर प्रेस करके मिरर कमांड से हम मिरर कर देते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, हम दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब इसका जो जहाँ से मैं मिरर कर रहा वो उस पॉइंट को दे देते हैं और हॉरिजेंटल की तरफ इसको स्लाइड कर दिए। तो दोस्तों देखिए आपका जो है मिरर पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या करना, आपको फिर से 5 का ऑफसेट लेना है। तो 5 का ऑफसेट लेने के बाद वो एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 5 दे देंगे हम। अब इस तरह से हमारी जो है 5 डिस्टेंस ऑफसेट हो चुकी है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको थोड़ा सा लाइन को जो है हमें ट्रैक करके यहाँ से बढ़ा लेनी है, जिससे आपका क्या हो, ऑब्जेक्ट सही प्रकार से दिखे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हल्का सा बढ़ा लेना है। अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट, चलिए हम इसको डिलीट ही मार देते हैं। डिलीट मारने के बाद यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो दी हुई है, हम आपको दिखा दें, ये वाली जो डिस्टेंस यहाँ से दी हुई है टोटल, ये हमारी टोटल डिस्टेंस जो दी है 47। तो हमें क्या करना है, 47 की एक लाइन ड्रा कर लेनी है। एल इंटर प्रेस करेंगे। एल इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको 5 जाना है, तो 5 इंटर प्रेस करेंगे। 5 इंटर प्रेस करने के बाद सॉरी, यहाँ से आपको सबसे पहले ऑफसेट कर लेना है 5 का। हमने 5 का ऑफसेट कर लिया। चलिए यहाँ से 5 का हम ऑफसेट ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस जो चाहिए, एल इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमारी 47 है। तो हमें क्या जो डिस्टेंस देनी है, टोटल 47 देनी है। तो हमें क्या करना है, इसका आधा जो हमारा होता है 47 का, उसकी डिस्टेंस हम दे देते हैं। 47 का जो आधा हमारा होता है वो होता है 23.5। तो हमें क्या करना, 23.5 दे देना है। 5 देने के बाद अब हमारी डिस्टेंस जो है कुछ इस तरह से 23.5 हमने दे दिया। अब हमारी डिस्टेंस जो है इस तरह से कुछ सॉरी ऊपर चला गया हमारा। हमें क्या करना है कि डिस्टेंस जो देनी है 23.5, एल एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से 23.5 डिस्टेंस दे देंगे। अब हमने दे दिया। इस तरफ हमें मिरर करना है, हमें सिंपली क्या करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये हम आई इंटर प्रेस करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम मिरर इस साइड कर लेते हैं। तो चलिए हमारा ऑब्जेक्ट ये मिरर हो चुका है। अब इसको क्या करना है, आपको फिर से जैसे नीचे वालों को मिलाए हैं आप उसको मिला दीजिए इधर से। इस पॉइंट को लाइन कमांड से मिला लेना है। फिर से इंटर प्रेस करेंगे, हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से इसको 5 का ऑब्जेक्ट ऑफसेट करना है। 5 ओ एंटर। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ से आपको जो डिस्टेंस लेनी है वो लेनी है टोटल। यहाँ से आप देख सकते हैं ये टोटल इसकी डिस्टेंस जो है 58+20। यहाँ से हमें क्या दी हुई है, डिस्टेंस 58+20 दी हुई है, जिसमें से हमारा ये ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस यहाँ हम आपको दिखा दें। यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है कुछ इस प्रकार से यहाँ दी हुई है 40 की है। तो हमें क्या करना है, ऑफसेट ओ इंटर 40 डिस्टेंस दे देनी है। अब इसको क्या करना है, हमें ऑफसेट करना है 40 पे, तो इसको भी हमें ऑफसेट कर देते हैं। उसके बाद आपको फिर से लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद आपको इस तरह से ऊपर इसको मिला देना है। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से बनकर नीचे का पोर्शन रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको सीधे सी अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए इस जगह से यानी यहाँ से आपका जो 58 डिस्टेंस में जाने के बाद क्या करना है, ये जो रेडियस हमारी दी हुई है इसकी 60 रेडियस की एक सर्कल ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करें, हम यहाँ से क्या करेंगे, रेडियस कमांड सर्कल रेडियस सेंटर रेडियस लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो डिस्टेंस हमें देनी है, सेंटर रेडियस लेने के बाद हम इसको ट्रैक करेंगे ऊपर से। ट्रैक करने के बाद इसकी डिस्टेंस 58 दे देनी है। 58 देने के बाद हमें क्या करना है, इसको ट्रैक करना है। यहाँ से सेंटर रेडियस लेंगे, सेंटर रेडियस लिया। अब इसके बाद यहाँ से इसको ट्रैक करना है 58 पे। 58 इंटर प्रेस किया, देखिए हमारा सर्कल जो है उस तरफ बनेगा। अब इसकी रेडियस जो है 60, हम 60 दे देते हैं। देखिए हमारा टोटल जो है यहाँ से 68 पे ड्रा हो चुका है। अब आपको क्या करना है,
यहाँ से इसको ये वाली डिस्टेंस हमें आर्क बनाना है, तो हमें क्या करना है, फ्लेट कमांड लेना है। फ्लेट का शॉर्ट की जो हमारा होता है एफ एल इंटर होता है, यह आप यहाँ से फ्लेट कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ रेडियस देंगे, यहाँ इसकी रेडियस जो है 40 दी हुई है, तो 40 इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से यदि आप मल्टीपल पर क्लिक करते हैं तो एक बार से ज़्यादा यूज कर सकते हैं इसे। अब देखिए हम इसको दिखाते हैं आपको कैसे करना है। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। अब देखिए हमारा इस जो है फिर से एक्टिवेट हो गया है कमांड। अब यहाँ से हम इसको हमने दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना, अब इसे यहाँ से इस तरह से बढ़ा लेनी है लाइन जो हमारी है। हमने लाइन बढ़ा लिया। अब उसके बाद क्या करना, हमें ट्रिम कर देना है उसको। सिंपली हमने ट्रिम कर दिया। अब देखिए जो बचा हुआ पोर्शन हम इसे ट्रिम करना चाहते हैं तो हम ट्रिम कर देते हैं जूम इन करके। उसके बाद यहाँ से हमें फिर से ट्रिम करना है तो इसको भी हमें ट्रिम कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो है कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या करना है कि आपको जो यहाँ से डिस्टेंस देनी है 20 देनी है, तो आपको क्या करना है, ऑफसेट करना है 5 का, 7.5 का ऑफसेट करना है। जो डिस्टेंस इसकी दी हुई है, ये वाली डिस्टेंस आपको हम दिखा दें, ये वाली डिस्टेंस जो हमारी दी हुई है यहाँ से टोटल 15 है, तो इसका आधा जो हमारा होगा 7.5, तो हमें क्या करना है 7.5 पे ऑफसेट कर ले। ओ इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद 7.5 ऑफसेट करना है, तो हम यहाँ से इसको 7.5 पे ऑफसेट कर लेते हैं दोनों तरफ। उसके बाद आपको क्या करना, लाइन कमांड लेना। लाइन कमांड लेने के बाद आपको यहाँ से ट्रैक करना है 20 के डिस्टेंस पे, 20 हम दे देते हैं। अब देखिए 20 के डिस्टेंस पे देने के बाद आपका लाइन इस तरह से कुछ बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन कमांड फिर से हम बता दें एक बार आपको, यहाँ से आपको जो है लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, 20 की डिस्टेंस लेनी है। 20 की डिस्टेंस हमने ले ली। उसके बाद आपको यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस देनी है वो देनी है 7.5। यहाँ से लेने के बाद हमने जो है इसकी डिस्टेंस देनी है 7.5। तो चलिए हम 7.5 एंटर प्रेस कर देते हैं। अब देखिए हमारा इस टाइप बन गया। आप इसी को हमें मिरर करना है, तो हम क्या करते हैं, हम आई इंटर प्रेस करके मिरर कर सकते हैं। हम आई इंटर, यहाँ से आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद इसका जो पॉइंट है हम यहाँ से ऊपर की तरफ दे देते हैं, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट है मिरर हो चुका है। अब यहाँ से आपको ज़रूरत नहीं है जिसकी, उसको हम ट्रिम कर देते हैं। चलिए हम इसको सीधा डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है। टी आर इंटर करेंगे, यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट ट्रिम हो चुका है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस आपकी दी हुई है 3 की दी हुई है, और जो इसका डायमेंशन हमें ऑफसेट करना है 5 का करना है, तो वो इंटर प्रेस करेंगे, 2.5 टोटल डिस्टेंस देंगे दोनों तरफ। सेंटर से हमें 2.5 लेना है, हमें क्या करेंगे 2.5 का डिस्टेंस दे देंगे। अब चलिए हम इसको ऑफसेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमें क्या है दे दिया गया है, 2.5 को ऑफसेट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ से फिर से ऑफसेट कमांड लेना है, आपको इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो देनी है, ये वाली डिस्टेंस इस वाले से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमें देनी है 3 देनी है, तो हमें क्या करना है, इसी को इस वाले को हम क्या करते हैं ऑफसेट कर लेते हैं 3 पे। देखिए हमारा जो है ये बनकर रेडी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ट्रिम करना है, तो हम सिंपली इसको ट्रिम कर देते हैं। अब ट्रिम करने के बाद आपको इसको यहाँ से लाके लाइन कमांड यहाँ से लेना। लाइन कमांड लेने के बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मिला देना है। सेम इसी प्रोसेस से हमें यहाँ भी मिलाना है, तो हमने मिला दिया। अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया। अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो इसको हम सिंपली डिलीट कर देते हैं। तो चलिए हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मिड पॉइंट पे इसके लेने के बाद यहाँ से आपको एक सर्कल जो है लाइन ड्रा कर देनी है, जिसकी डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसका। हम यदि एंगुलर नाप दें, माप लें कि इसका जो है कितने एंगल पे ये यहाँ से रोटेट हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमने जिसकी डिस्टेंस दिखा रही है 25 दिखा रही है। तो हमें क्या करना, 25 पे
जो एक लाइन ड्रा करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्थ वॉक करना है, लाइन कमांड लेना है यहाँ से। लाइन कमांड लेने के बाद इसकी मिड पॉइंट से आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। तो इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ, यदि आपको नहीं मिलता मिड पॉइंट तो यहाँ से स्नैप कर्सर पे 2D पे जाना, आपको यहाँ से मिड पॉइंट ऑन कर लेना। तो मिड पॉइंट ऑन करने के बाद आप, हम यहाँ इसका मिड पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद जिसकी डिस्टेंस टोटल दी हुई हम देख लेते हैं, यहाँ से जो डिस्टेंस दी हुई है 58 दी हुई है डिस्टेंस इसकी 58। तो हमें क्या करना, 58 पे ये 58 एंटर करेंगे, 58 एंटर। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसका एंगल देना था, सॉरी यहाँ से फिर से हम रिपीट कर देते हैं एक बार। आपको फिर से लाइन कमांड लेना, लाइन कमांड लेने के बाद इसका मिड पॉइंट पे यहाँ कहीं क्लिक कर देना है। मिड पॉइंट हमें मिल चुका है, उसके बाद हमें 58 देना है। उसके बाद टैब बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ इसका जो है एंगल पूछ रहा है, तो हमें क्या करना, 25 दे देना है। अब देखिए कुछ इस तरह से हमारा इस साइड ही बन चुका है। तो हमें क्या करना है, 19 में से 25 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 25 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कुछ, 19 माइनस 25 करेंगे तो हमारा बचेगा 65। यानी हमें जो यहाँ से डिस्टेंस से लेनी है इसका, यहाँ से पहले हम 58 इसकी डिस्टेंस दे देते हैं। 58 देने के बाद आपको क्या करना है, टैप प्रेस करना है कीबोर्ड में। तो इसके बाद आपको यहाँ 65 जो है डिस्टेंस दे देनी है। अब देखिए हमारी जो है लाइन ड्रा हो चुकी है। लाइन ड्रा होने के बाद आप इसी लाइन को आप क्या करना है, एम आई इंटर प्रेस करके, या आप यहाँ मिरर कमांड है यहाँ से मिरर करके इसको सेंटर से आप इधर भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारा कुछ इस प्रकार, यहाँ से सेंटर देते हैं तो हमें इस प्रकार मिरर हो चुका है। अब देखिए हमारा ये जो है मिरर हो चुका है इस तरफ। अब हमें यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो लेनी है, ये टोटल लेनी है 5 की डिस्टेंस लेनी है, जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस दिखाई हुई, हम इसको आपको भी शो करा के दिखा दें जिससे आपको बनाने में ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है इसकी 25 दी हुई है। तो आपको क्या करना है, 25 की एक लाइन ड्रा कर देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से वो एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, 25 पे ऑफसेट करना है। हमने 25 की यहाँ से इसको ऑफसेट कर दिया ऊपर की तरफ, इसको भी और इसको भी। अब देखिए यहाँ से आपको लाइन कमांड लेना है, इसके बाद यहाँ से आपको एंटर कर देना है 25। 25 हमने इस इधर भी कर दिया, उसके बाद 25 इधर भी करना है। तो हमें लाइन कमांड फिर से लेना है, लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ से 25 इधर भी कर देना है। अब देखिए हमारा जो है, सॉरी ये किसी और पॉइंट पे ट्रैक हो गया है, फिर से लाइन कमांड लेंगे हम। लाइन कमांड लेने के बाद आपको यहाँ से इसकी ट्रैकिंग दिखा रही है, तो हमें क्या यहाँ मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो दिखा रही है टोटल, वो दिखा रही है यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं इसकी टोटल डिस्टेंस जो है वो दिखा रहा है 10। यानी आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को डिलीट कर देना है। यहाँ से इसको डिलीट करके आपको क्या करना, 5 5 डिस्टेंस की लाइन ड्रा करनी है, ले एंटर करेंगे। इसके बाद इसके यहाँ पॉइंट से 5 देना है हमें। तो आपको सबसे पहले अर्थ ऑन कर लेना जिससे आपकी लाइन सीधी जाए, 5 एंटर। उसके बाद यहाँ से ऊपर 3 देना है, तो 3 एंटर। उसके बाद टोटल डिस्टेंस हमें 10 देना, 10 इंटर। उसके बाद हमें यहाँ 3 देना, 3 इंटर। उसके बाद इस तरफ लाके हमें मिला देना है। देखिए दोस्तों हमारा जो है कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया। अब इसको क्या करना, आपको यहाँ से 45 के डिस्टेंस पे इसका एंगल जो दिया हुआ है, दोनों एंगल 45 की डिस्टेंस पे फिर से लाइन कमांड लेके ड्रा कर देनी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसके मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट हमें शो नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, इसका मिड पॉइंट ऑन कर लेना है। मिड पॉइंट ऑन करने के बाद फिर से आपको लाइन कमांड लेना, लाइन कमांड लेने के बाद आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से, या इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से हम इसको ट्रैक करके यहाँ मिला देंगे।
बोला ट्रैकिंग हमारा ऑन नहीं है, इसलिए हमें क्या हो रहा है, ट्रैक नहीं हो रहा। तो यहाँ से ऑन किया, फिर इसके बाद इसे यहाँ पे मिला दिए। फिर से लाइन कमांड आपको लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट मिल गया। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद हम इसकी डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से दे देते हैं। डिस्टेंस देने के बाद आपको जो करना क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो हमारी है टोटल दी हुई है, वो कुछ इस प्रकार से दी हुई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ इस प्रकार मिला देना है। तो थोड़ा फिर से वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपको सही प्रकार से विजिबल नहीं हो रहा होगा, इसलिए हमें क्या करना, फिर से लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद इसका जो ट्रैक पॉइंट है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हमें जूम इन कर लेना। जूम इन करने के बाद इसकी डिस्टेंस जो है टाइप करके क्या करना है, हमें टाइप जो हमें इसका लाइन ड्रा करना है 45 एंगल पे ड्रा करना है। तो हमने 45 एंगल पे ड्रा कर लिया है। तो दोस्तों ये सही प्रकार से ड्रा नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से लाइन को यहाँ से ले लेना है। एल एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस जो हम आपको दिखा दें, ये जो यहाँ से सेंटर से दिया हुआ है इसका एंगल कितने एंगल पे ये रोटेट है, तो वो हम आपको दिखा दें। यहाँ से इसका जो एंगल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है हमारा 25 पे, यानी 65 पे भी हमें इसे भी जो है ड्रा कर लेना। लाइन कमांड लेना। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ से इसका मिड पॉइंट ले लेना है। मिड पॉइंट लेने के बाद कुछ इस तरह से करेंगे, उसके बाद टाइप इंटर करेंगे, 65 डिस्टेंस दे देंगे। अब देखिए हमारा जो है ड्रा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसी को मिरर कर देना है। MI इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे और सेंटर पॉइंट इसका दे देंगे। अब ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, L इंटर प्रेस करना, लाइन इंटर प्रेस करना, उसके बाद इसके पॉइंट से और इसके पॉइंट से लाके आपको मिला देना है। अब देखिए हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है इसको ट्रिम कर देना है। यहाँ से हमने ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। आपका ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका जो है ये वाला देना है आर्क बनाना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आर्क कमांड पे आना है, स्टार्ट इंट रेडियस लेना है। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट इंट रेडियस लेना, जिसकी रेडियस 13 दी हुई है। तो हमें क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट इंट रेडियस हमें जो देना है 13 देना है, 13 दे दिया हमने। फिर से क्या करना है, आपको वही काम सेम करना है, फिर से आपको वही लेना है। फिर इसके बाद यहाँ से आपको करना है स्टार्ट इंट रेडियस जो हमें देनी है 13 देनी है, 13 दे दिए। फिर से वही काम करना हमें। अब इसका हम क्या करते हैं, सेम बार बार वही नहीं करते हैं, मिरर भी कर सकते हैं। हम आई इंटर प्रेस करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर से इसका सेंटर पॉइंट दे देंगे, यहाँ से कुछ इस प्रकार से। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है कुछ गलत मिरर हो रहा है। हमें सिंपली क्या करना है, फिर से वही तरीका अपनाना पड़ेगा। ये वाला लेंगे स्टार्ट एंड रेडियस जो देनी है हमें 13 दे देते हैं। अब देखिए आपका फिर से वही करना है, तो हमें इंटर प्रेस करके दोबारा कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से वही हमें डिस्टेंस दे देनी है। यहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्ट एंड रेडियस पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ हो रहा है। देखिए यदि आप इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपका आर्क भी उल्टा सीधा बनेगा। तो इन बातों का ख्याल में रख के ही आप आर्क कमांड दें। अब यहाँ से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डिलीट मार देते हैं। अब देखिए जो हमारा है कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो चुका है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब हमें यहाँ से क्या करना है, 5 डिस्टेंस लेनी है। लाइन कमांड, ये वाली लाइन ड्रा करना है, तो हमें क्या करना, 5 डिस्टेंस लेनी है। एल एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से प्रेस करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद 5 एंटर प्रेस करेंगे, अब हमारा ट्रैकिंग ऑन हो चुका है। अब इलाके यहाँ मिला देनी है। अब देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी जो हो वो होने लगा है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सीधा ट्रिम ही कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो TR इंटर प्रेस करके आप इसे ट्रिम कर सकते हैं।
अब देखिए कुछ इस प्रकार से ट्रिम हो गया। अब आपको क्या करना, कॉपी कर लेना, COENTER, कॉपी, इंटर, डिस्टेंस हमें देना 5, इंटर। COENTER, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस जो देनी हमें 5 की देनी है तो 5 कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार से हम देते हुए चले जाते हैं। ऑफसेट कर लेते हैं, OENTER 5, इंटर। OENTER 5, इंटर। अब इसका हम ऑफसेट करते हुए सीधा चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा जो है ऑफसेट होता हुआ चला गया है। देखिए हमारा इस तरफ से कुछ सही से नहीं बना था, हमें क्या करना है इसे बढ़ा लेना है। इस लाइन को पकड़ के इसके पॉइंट हमें इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, क्योंकि ऑफसेट करने के बाद हमें सही प्रकार से हो नहीं रहा, तो हमें क्या करना है इसे ऐसे बढ़ा देना है। अब यहाँ से हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, TR Enter प्रेस करके ट्रिम कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है ट्रिम हो चुका है पूरी तरीके से, ये बनकर जो है रेडी हो चुका है। अब इसको क्या करना है, आपको सेंटर देना है तो सेंटर, सेंटर पॉइंट देना। तो हमें क्या करना है मैच प्रॉपर्टी करके, MATCH मैच प्रॉपर्टी है, इसको एंटर करेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन सेंटर लाइन ले लेना है। सेंटर लाइन लेने के बाद आपको लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड से यहाँ से आप इसका, पहले इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। रेड करने के बाद यहाँ कहीं इसको ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद आपको मैच प्रॉपर्टी पे जाना है, जो हमारी ये वाली लाइन दिख रही है ये वाली सेंटर लाइन, हम इसको क्या करेंगे सेंटर लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैच प्रॉपर्टी से आपको क्या करना है कि यहाँ से इसकी जो लाइन है वो सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए हम इसको करके आपको दिखाना है। इस तरह से मैच प्रॉपर्टी से आपको लाइन कमांड ले लेना है। अब क्या करना है, MATCH इंटर करेंगे, मैच प्रॉपर्टी आ गई। हमें ऑब्जेक्ट को इसको सिलेक्ट करना है और इसको हमें सेंटर पॉइंट देना है, तो इस पर क्लिक कर देना। अब देखिए हमारी सेंटर पॉइंट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको इसको डायमेंशन देना है, तो आप यहाँ से डायमेंशन सारी की दे सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी डायमेंशन कुछ इस प्रकार से आ रही है। तो हमें क्या करना, कंटिन्यूअस लाइन में डायमेंशन देना, तो हमारी जो है कंटिन्यूअस लाइन में डायमेंशन देना। तो हमें क्या करना है, यहाँ से MATCH मैच प्रॉपर्टी करेंगे, मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद इस लाइन को ट्रैक करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग दे देंगे। अब देखिए हमारी जो लाइन पूरी है कंटिन्यूअस लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। इस प्रकार से कुछ इसकी डिस्टेंस जो है दी हुई है। अब हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट बनकर रेडी हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।